हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करें यह सीखेंगे। तो हमारे पास समीकरण है 2x² - x + 1/8 = 0। यानी समीकरण को सबसे आसान तरीके से अभी हम हल करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा सिंपल कर देते हैं जिससे ये हमारे लिए हल करना आसान हो जाए। तो इसको दोनों तरफ हम 8 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16, x² - 8x 8 गुणा होगा तो 8 गुणा में है, 8 भाग में कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, केवल और केवल 1 आ जाएगा, बराबर में आपका 0 है। अब हम क्या करें, देखिए हमारा समीकरण किस रूप में आ चुका है ये ध्यान रखें, सिंपल फॉर्म में आ गया। और इस समीकरण को ऐसे लिखना है, पहले x² का पद, फिर x का पद और लास्ट में आपका अचर पद। अब हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। यानी इस समीकरण के सर्वप्रथम हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, जो x² का गुणांक है इसका और जो आपका अचर पद है इन दोनों का गुणा कर देना है। यानी 16 × 1 कितना आ गया, 16 के अब हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करने पर आपका 16 खुद आना चाहिए और इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो x का गुणांक कितना है, -8। तो 16 के हम टुकड़े कर देते हैं, -4 और -4, -× - प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। -4 और -4 को यदि हम जोड़ें तो कितना आएगा, -8। देखिए ध्यान रखिए, जब चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ती है, जब चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटती है। जैसे माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी और फाइनल चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यानी यहाँ से क्या करना है, अब ऐसा हमने क्यों किया, ये जो माइनस का 8 है इसके जगह हम क्या लिख देंगे, -4 और -4। यानी -8 की जगह क्या लिख दिया, -4 और -4। एक्स है येलो एक्स और ये एक्स, प्लस का 1 = 0। इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 4x² कॉमन ले सकते हैं। 4x का हमने भाग किया 16x² में, क्या आ गया, 4x आ गया। 4x का 4x में भाग आपका 1 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 4x - 1, यहाँ क्या बन रहा है, -4x + 1। यानी इसके उल्टा बन रहा है, चिन्ह फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो हमें यानी इनके चिन्ह को बदलना होगा, तभी यह जो है यह क्या होगा, इसके समान हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर हमारा जो इसके गुणा में आ रहा है कॉमन लेने के बाद, ऐसा सेम टू सेम यहाँ बनाना है। तो हम चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं, -1 को बाहर लेते हैं। ध्यान रखें, जब भी अंदर चिन्ह बदलने हो तो माइनस की संख्या बाहर कॉमन लेते हैं। तो -1 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपका 4x आ गया और यहाँ पर आपका माइनस का 1 आ गया, = 0। यहाँ आपका 4x - 1 है, यहाँ भी आपका 4x - 1 है, तो हम इसको फिर कॉमन ले लिया। यहाँ आपका क्या आ गया, 4x, यहाँ आपका क्या आ गया, -1, बराबर क्या है, 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना x का वैल्यू निकालने के लिए पहले फैक्टर को 0 रख देते हैं। यहाँ से आपका x बराबर क्या आ गया, -1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 गुणा में है, दूसरी साइड भेजा है तो भाग में आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1/4। या दूसरा फैक्टर 0 हो सकता है, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1/4। यानी रिजल्ट लिख देंगे अंत है, समीकरण के हल x = 1/4 / 1/4 है, ठीक है।